सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे कितने लोग देख रहे हैं जो किसी दूसरी पेथी की दवाओं का सेवन पहले से कर रहे हैं और आयुर्वेदिक की दवाओं का सेवन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इस पेथी के बारे में यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर ही जाएंगे। देखिए, आयुर्वेद जीवन में संतुलन लाने वाली पद्धति है जो हमारे वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करके एक संतुलन स्थापित करती है और आयुर्वेद में आपकी पूरी बॉडी को ध्यान में रखकर ही इलाज किया जाता है। देखिए, केवल आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपके दोषों का पता पहले ही नाड़ी देखकर चल जाता है। ऐसा किसी और पद्धति में आज तक नहीं हुआ है। सारी पद्धतियों में या तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहते हैं या फिर जाँचें कराई जाती है। देखिए, हमें किस पद्धति से इलाज करना है ये व्यक्ति, समय और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर औषधियों की बात करते हैं तो या तो औषधियाँ मसालों से बनती है या वनस्पति से बनती है या किसी फलों के रस से बनती है या धातुओं की भस्मों का प्रयोग किया जाता है या फिर रत्नों की भस्मों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो सारे जो इन्ग्रेडियंट हैं वो सब नेचुरल रिसोर्स से ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। बस हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें उसकी कितनी मात्रा, कितने समय में, कितनी बार लेना है। तो अगर आप ये निर्धारित कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का हमें किस समय में उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है और कितनी बार करना है, तो आयुर्वेद पद्धति की दवाइयों का सेवन किसी भी पेथी के साथ किया जा सकता है। कि जो लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, हमारी दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, या तो किसी की एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही होती हैं या किसी की यूनानी चल रही होती है या किसी की होम्योपैथिक दवाई चल रही होती है। देखिए, होम्योपैथिक का विज्ञान टोटल अलग है और उसमें कुछ विपरीत गुण वाली दवाइयाँ होती है, तो उनका आपस में सेवन नहीं किया जा सकता। तो वो आपको आपके वैद्य या डॉक्टर्स बताएंगे जो होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप पहले से एलोपैथिक दवाइयाँ, बीपी की, शुगर की, मतलब केवल बैलेंस करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि बीमारियों को ख़त्म नहीं कर रही हैं, केवल मेंटेन करके रख रही हैं, उसके साथ में कुछ समय के अंतराल से आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा शरीर कोई डस्टबिन नहीं है कि आप इसमें सब कुछ डालते जाएं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो होम्योपैथिक भी दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथिक भी खाते हैं, आयुर्वेदिक भी खाते हैं। तो इसमें होता यह है कि आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी पद्धति फ़ायदा कर रही है, तो आप इमरजेंसी में किन्हीं भी दो पद्धतियों का सेवन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप आयुर्वेद में आना चाहते हैं और आयुर्वेदिक की दवाइयों का सेवन करना चाहते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप कुछ समय लेकर आएँ, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, क्योंकि आयुर्वेद आपकी दिनचर्या, आपके आहार विहार, आपके रहन सहन के ऊपर और आपकी आदतों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आयुर्वेद एक जीवन शैली है जो आपको जीवन जीने की कला भी सिखाती है और आपकी बीमारियों को, केवल आपकी दिनचर्या को ठीक करके आपके रोगों को दूर करती है। तो दोस्तों, ये पद्धति के ऊपर शंका करना कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं लगता है। आप हमेशा अच्छे वैद्य के संपर्क में रहें ताकि आपको सही ज्ञान मिले, सही बैलेंस्ड डाइट मिले, सही बैलेंस दवाइयाँ मिले, ताकि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन निडर होकर कर सकें। आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किसी भी दूसरी पद्धति की दवाओं के साथ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर आराम से कर सकते हैं। बस आपको आपके वैद्य से उसके डोज डिसाइड कराना होंगे कि कितना गैप आपको दवाइयों में रखना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होऊंगा। तो आप अपने वैद्य से सलाह करें और आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन शुरू करें। तो दोस्तों, वीडियो की समरी यह है कि आयुर्वेद जो है वो एक जीवन शैली है जो आपके जीवन में बहुत अच्छे से संतुलन लाती है और इसमें उपयोग होने वाली सभी चीज़ें नेचुरल होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है, तो आप इनका सेवन वैद्य के निरीक्षण में सही समय पर, सही मात्रा में और सही समय तक कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।